अल्टरनेट डेज पे आना। यूरिनेशन के लिए मैं वहाँ रुकवा था और इतना बेस्ट यूरिनल जो है डॉक्टर राजकुमार द्वारा निर्मित, उसमें मैं कई बार यूरिनेशन करने के, मैंने इनके नाम का बोर्ड भी देखा है, क्योंकि मेरा बीएससी तक अध्यापन नवलगढ़ हुआ है। नवलगढ़ की तस्वीर ही डॉक्टर राजकुमार ने बदल दी, बहुत बढ़िया। और मैं डॉक्टर साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल मैं कंटिन्यूस अब सीकर में रहूँगा। 12वीं का लड़का बीएससी का एमएससी का फ्री एजुकेशन के लिए आ जाए रामलीला ग्राउंड पे एमएससी के लिए। मैं विशेष चाहूँगा यहाँ बैठे हुए महावीर सिंह जिनका भाई था शुभकरण, प्यारी प्यारी है, मेरी माँ के लिए गाता हूँ, चला नहीं जाता है माँ से, लेकिन मैं सुबह आया प्रोग्राम करके शाम को जब जयपुर चला जाता हूँ तो माँ का फोन आ जाता है कि तो आराम से घर पे पहुँच गया ना बेटा। तो रात को जब जन सुनवाई चलती रहती है 10-11 बजे तक, खाना नहीं खाता हूँ, तो वही डांट पड़ती है जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं तक क्लास में पड़ती थी कि चुपचाप आ जाए। कई बार बिना खाना खाए और सीधा 12 के 12 निकल गया ना, सब्जी नीचे पड़ी भी मिले पक्ष। ये माई है जो पूछती है, आप देख लीजिए घर के अंदर। और आज का वर्तमान का जो वातावरण है उसके अंदर तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग मोबाइल में बिजी हैं। सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कोई है तो घर में बुजुर्ग माता पिता या गौ माता की है सबसे ज्यादा। बच्चों को तो पहले तो टेलीविजन मिल गया, अब टेलीविजन दूर चला गया, अब ये सोशल मीडिया। और मैं आज कह रहा हूं कि जिस बच्चे को 20 साल के अंदर 18 साल में बड़ा होना चाहिए मानसिक रूप से, वो बच्चा 8 साल का बड़ा हो रहा है। यानी 8 साल का बच्चा 18 साल की जो हम लोग जिस उम्र में थे, हम लोग जब 18 साल के हुए तब हमें देश दुनिया का नहीं पता था, आज के 8 साल के बच्चे को सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ये माँ है जो इन बच्चों को अच्छी परवरिश अच्छी तालीम देकर अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, हमारे देश का नाम रोशन के लिए आगे बढ़ती रहती है। इसलिए माँ के लिए फिर कहना चाहता हूं, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ ओ माँ। वो माता पिता बहुत खुश नसीब है जब रात को उनकी तकलीफ होती है तो बेटा उनके पास जाकर उनका हाल पूछता है, वरना कहते हैं कि पड़जा क्यों खसखस कर रहे हैं। वो बेटा सौभाग्यशाली है जो उसी समय डॉक्टर को लेके अपने माता पिता को दिखाने के लिए आता है कि मेरी माँ बीमार है। याद करो उन चीजों को, जब माँ बाप का बच्चा जब बीमार हो जाता है वो कैसे तड़प जाते हैं। एसएमएस अस्पताल में मैं देखता हूं, यहां से फोन आते हैं कि हमने रवाना किया है राजकुमार, फटाफट बड़े हॉस्पिटल में कोई ने भेज बेटा, मेरे बच्चा का क्यों नहीं होना चाहिए। वो खुश नसीब माता पिता हैं जिनके बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं। अंतिम ही अंतरा है जो मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद है, मां बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है,
वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ये हर माँ के लिए, हर माँ के लिए ये शब्द है। और मैं कह रहा हूं, जो बच्चा अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करता है, गांव में बड़ों का रेस्पेक्ट करता है, वो बच्चा हमेशा बुलंदियों पर पहुंचता है। ये मेरा दावा है और निजी अनुभव है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं मेरे बड़ों का अनादर करके मेरे बच्चों से मैं इज्जत पालूंगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।